अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खुदा की दी गई नियम तुमसे तो फैजियाब हो रहे होंगे डिस्क्रीट मैथ इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीजन के ऊपर अब सबसे पहले जो लिखा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं व्हेन एन इंटीजर इज़ डिवाइडेड बाय ए सेकंड इंटीजर द कोशेंट यानी कि जो आपके पास रिजल्टेंट आ रहा होता है ना उसको कोशेंट कहते हैं कोशेंट मे आर मे नॉट बी एन इंटीजर यानी कि जब दो इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है तो जो आपके पास आंसर आता है लाजमी नहीं है वो इंटीजर हो जैसे कि अगर मैं तीन को तकसीम कर दूँ बारह के साथ तो मेरे पास आंसर फोर आता है ये देखो रिमाइंडर ये रिमाइंडर होता है ये ज़ीरो है ये होता है कोशेंट यानी कि जो आंसर आ रहा होता है और जो डिवाइड कर रहा होता है इसको कहते हैं डिवाइजर और ये ये होता है डिवीडेंट तो ये मेरे पास आंसर फ़ोर आ गया इसका ये आपके पास फोर एक इंटीजर है लेकिन अगर मैं ग्यारह को तकसीम करूँ चार के साथ लेकिन फिर मेरे मेरे पास आंसर आ रहा है टू पॉइंट सेवन फाइव जो कि इंटीजर नहीं है तो ये तो हो गया डिवीजन का बेसिक आइडिया तो उसके बाद आपके पास एक डेफिनेशन है वो कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, विद ए नॉट इक्वल टू जीरो वी से दैट ए डिवाइड्स बी ये सपोज कर लेते हैं सबसे पहले दो इंटीजर्स ए और बी हैं फिर ए और ए डिवाइड करता है बी को इफ़ देयर इज एन इंटीजर सी यानी कि कोई जो उनका आंसर आ रहा है उसकी बात कर रहा है वो सी है देन वी मे राइट एज़ बी इज़ इक्वल टू ए सी यानी कि अगर ए डिवाइड करता है बी को तो फिर आप ये लिख सकते हैं जो डिवाइड हो रहा है ना वो बराबर है ए सी के सी कोई और इंटीजर है अब ये ये ए सी क्या है जैसा कि ये देखो ट्वेल्व को तकसीम कर रहा है थ्री मेरे पास आंसर क्या आ गया फोर इसको मैं लिख सकता हूँ जो डिवाइड हो रहा है वो कौन है बी ये बी आ गया बी डिवाइड हो रहा है और जिसने डिवाइड किया वो क्या है ए डिवाइड इसने किया है थ्री ने आपके पास क्या आ गया ए और सी इज सम अदर इंटीजर यानी कि जो आपके पास आंसर आ रहा होता है वो होता है तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे वापस बी बन जाएगा इसी तरह चार और तीन को रिजर्व करेंगे वापस आपके पास बारह बन जाएगा तो ये था आपके पास आइडिया बी इज इक्वल टू ए सी का इसे याद रखिएगा आगे हम इसको क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे द नोटेशन फॉर ए डिवाइड्स बी इज़ रिटन एज मैथमेटिकली अगर दो इंटीजर्स आपस में डिवाइड करते हैं तो आप इसको लिखते हैं ए डिवाइड बी ये वर्टिकल बार होती है और अगर वो डिवाइड नहीं करते तो फिर हम इस वर्टिकल बार के ऊपर कट लगा देते हैं आगे एग्जाम्पल है वो कहता है चेक करें कि थ्री डिवाइड करता है से, से, सेवन को या नहीं और इसी तरह थ्री डिवाइड करता है ट्वेल्व को या नहीं याद रखिएगा हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो दो इंटीजर्स के आपस में ऑपरेट होने से आपके पास आंसर इंटीजर ही आना चाहिए थ्री डज नॉट डिवाइड सेवन क्योंकि आपके पास इसका आंसर इंटीजर नहीं आता तो लिहाजा ये डिवाइड नहीं करता लेकिन तीन डिवाइड करता है बारह को क्योंकि इनका जो आंसर है वो फोर है और फोर इज़ एन इंटीजर आगे एक एग्जाम्पल है वो कहता है लेट एन एंड डी बी द पॉजिटिव इंटीजर्स दो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एन और डी आगे वो कहता है हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग एन आर डिविजिबल बाय डी तो वो कहता है आप मुझे उन इंटीजर्स की तादाद बताएं जो कि एन से तो बड़े नहीं हैं लेकिन वो डी से डिविज़िबल हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो द पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय डी आर आल द इंटीजर्स ऑफ द फार्म डिविजिबल बाय डी अभी हमने जो पीछे पढ़ा था जो एक रिज़ल्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि जब ए और बी आप ए को डिवाइड करता है बी तो आप लिख सकते हैं बी इज़ इक्ल टू ए सी तो यहाँ पर आपके पास जो डिविजिबल है वो आपके पास डिवाइडर कौन है डी है तो फिर डी को आप क्या लिख सकते हैं डी के यहाँ पर सी की जगह पर के है खैर ये उस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए मैंने लिख लिया डी के वेयर के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर हैंस द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय डी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय डी डू नॉट एक्सीड एन बाय गिवन कंडीशन जो आपके पास इंटीजर्स uh, हैं जो कि इससे डिवाइड हो रहे होते हैं वो एन से ज़्यादा नहीं है तो जो कि डू नाट एक्सीड एन इक्व नंबर ऑफ इंटीजर्स के विद ये मुझे कैसे पता चला कि जो अच्छा जी यहाँ पे एक आइडिया है कि वो जो नंबर जो डिवाइड होते हैं वो एन से ज़्यादा नहीं है लेकिन मैंने फिर ये कह दिया कि वो के हैं ये मैंने कैसे कहा देखें तीन को जब तकसीम तक, तीन तकसीम करता है बारह को आंसर कितना आता है चार इसका मतलब है कि तीन के मतलब अगर चार दफ़ा ऐड करेंगे तो आपके पास बारह आंसर आएगा ठीक है तो ठीक हो गया इसी तरह आप आपके पास जब एन यहाँ पे हमने जो कंडीशन देखी थी आ, इसके मुताबिक ये वाली ये वाली जो कंडीशन देखी है जब आप डी डिवाइड करता है ठीक है तो आपके पास यहाँ पे डी के आता है जैसे आप लिख सकते हैं चार ज़रूरत तीन बारह जैसा कि ये है ये वाला आपने तीन को तकसीम किया बारह के साथ आंसर आपके पास क्या आ गया चार आ गया यानी कि तीन को चार दफ़ा ऐड करेंगे तो फिर आपके पास बारह आए आएगा ओवरऑल आपके पास ये जो आर है सॉरी ये आपके पास कोशेंट है फोर यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास के आया है ये बेसिकली इसके नंबर्स होते हैं जैसे कि आपके पास ये के जगह पे यहाँ पे क्या है सी है चार और तीन बारह यानी कि तीन कितनी दफ़ा आया चार दफ़ा तीन तीन को चार दफ़ा आपस में ऑपरेट करेंगे तो आपके पास बारह आएगा बिल्कुल इसी आइडिया के मुताबिक वो कहता है जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास बेसिकली जो डी के लिखा हुआ है ना यहाँ पे वो के इज़ द नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं ठीक है कि कितनी दफ़ा वो डिवाइड होगा और वो आंसर आपके पास लेस देन इक्वल टू क्या आएगा एन के ये आपके पास आ गई गिवन कंडीशन के मुताबिक मैंने इसको फॉर्म को लिख लिया लेकिन ज़ीरो से ज़्यादा होंगे क्योंकि आपके पास ज़ीरो नहीं आ सकते नंबर्स जो डिवाइड कर रहा है वो भी ज़ीरो नहीं है जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो भी ज़ीरो नहीं है तो लिहाजा इनका आंसर ज़ीरो से बड़ा आएगा मैंने क्या किया दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया डी के साथ ठीक है मेरे पास आ गया जीरोसर इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू एन बाई डी जीरो को कोई भी चीज़ डिवाइड करे वो जीरो ही आती है तो लिहाजा मेरे पास जो मैक्सिमम आंसर आ गया वो क्या है एन बाई डी तो मुझे के की तादाद तद, चाहिए थी वो के कितने हैं वो मेरे पास ये आंसर आ गया एन बाई डी और ये आपके पास इसका आंसर है आगे थ्यूरम है लेट ए बी सी बी द पॉजिटिव इंटीजर्स देन इसके तीन पार्ट हैं सबसे पहला पार्ट है अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को देन आपने साबित करना है ए डिवाइड करता है बी प्लस सी को सपोज कर लेते हैं कि ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को ये दे, दे, देखें जी देन से पहले वाली कंडीशन आप सारी के सारी यूज कर सकते हैं ये आपने साबित करना है तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये डिवाइड करते हैं तो फिर आप इनको क्या लिख सकते हैं ए डिवाइड किसको करता है बी को तो फिर आप बी डिवाइड हो रहा है ना बी इज इक्वल टू ए एस ए डिवाइड कर रहा है सी को सी डिवाइड हो रहा है सी इज़ इक्वल टू ए टी जबकि एस ओ टी आपके पास क्या है इंटीजर्स है जी मैंने क्या किया दोनों को ऐड कर लिया ये आपके पास जो दो रिजल्ट आए थे ये वाले एक ये और एक ये दोनों की लेफ्ट को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया और राइट right वाली को राइट right में ऐड कर दिया मेरे पास आ गया बी प्लस सी इज इक्वल टू ए एस प्लस ए टी यहाँ से ए कॉमन आ गया आपके पास क्या आ गया एस प्लस टी इसका मतलब पता क्या होता है अब इसका मतलब है कि ए डिवाइड कर रहा है ठीक है ए डिवाइड कर रहा है किसको बी प्लस सी को जिस तरह मैं आपको बता दूं ये देखो अगर आपके पास ए डिवाइड कर रहा था बी को तो फिर आपने क्या लिखा था बी इज इक्वल टू ए एस बी इज इक्वल टू ए एस इसी तरह आपके पास ये आ गया आ, आपके पास अगर ए डिवाइड कर रहा है बी प्लस सी को तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए किसको डिवाइड कर रहा है बी प्लस सी को तो बी प्लस सी को लिख सकते हैं एजर सम इंटीजर तो यही वो आइडिया इसमें यूज़ किया गया है उसके बाद सेकेंड पार्ट है वो कहता है इफ़ ए डिवाइड बी देन ए डिवाइड बी सी फॉर ऑल इंटीजर सी तो ये आपके पास है इफ़ वाली कंडीशन यूज सपोज करनी है और ये आपने साबित करनी है सपोज कर लेते हैं ए डिवाइड करता है बी को ठीक है अब ए अगर डिवाइड करता है बी को तो फिर आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए सी वन वी आर सी सम इंटीजर तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे दोनों साइडों को सी से मल्टीप्लाई कर दिया जब मैंने सी से मल्टीप्लाई किया सी इंटीजर इंटू इंटीजर कोई नया इंटीजर आएगा मैंने इसको क्या कह दिया सी टू बी सी बराबर आ गया ए सी टू तो अब आप ये कह सकते हैं ए डिवाइड करता है बी सी को आगे आपके पास तीसरा पार्ट है तीसरे पार्टो कहता है इफ़ ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी देन शो दैट ए डिवाइड सी ये हमने साबित कर ये ये प्रूफ है हमें गिवन था ए डिवाइड बी और बी डिवाइड सी देन हमने साबित करना है ए डिवाइड सी तो सपोज कर लिया चूँकि गिवन है इफ़ इफ़ से इफ़ के बाद वाली जो कंडीशन होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं यानी कि ये दोनों हम यूज़ करेंगे और इसको हम साबित करेंगे तो चूंकि ए डिवाइड करता है बी को मैं लिख सकता हूँ बी बराबर है ए सी वन इसी तरह बी डिवाइड करता है सी को तो लिहाजा मैं लिख सूंगा सी इज़ इक्वल्स टू बी सी टू तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई अब मैंने क्या किया ये आपके पास यहाँ पे ये देखो b इज इक्वल टू ए सी वन है और c इज़ इक्ल टू बी सी टू है b की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दें मेरे पास ये आंसर आ गया c इज इक्वल टू ए सी थ्री क्योंकि c1 वन जरफ़ सी टू को इंटीजियर देगा उसको मैं नाम देता हूँ c3 का तो लिहाजा इस सी इज़ इक्ल टू ए सी थ्री इसको मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड करता है c को उसके बाद एक क्रॉलरी है वो ये कहता है इफ़ a कमा बी एंड सी आर इंटीजियर सच दैट ए डिवाइड बी डिवाइड सी देन आपने साबित करना है ए डिवाइड एम बी प्लस एन सी ये आपके पास एक रिजल्ट है इसको साबित करते हैं। तो का प्रूफ देखें, चूंकि ए डिवाइड करता है बी को ये हम पढ़ चुके हैं यहां से ये यह जो क्रोलरी है इसके अंदर लिखा हुआ है अगर ए डिवाइड करे बी को और ए डिवाइड करे सी को देन आपने साबित करना है ए डिवाइड एम बी प्लस एन सी तो सबसे पहले मैं इसको सपोज कर लेता हूँ ये देन से पहले वाली जो चीज़ें हैं वो सपोज की जा सकती हैं और देन के बाद वाली आपने साबित करनी होती हैं अब मुझे चूंकि पता है कि अगर ए डिवाइड करता है बी को मैंने ये केस सपोज कर लिया देन अब पीछे जो थ्यूरम किया मैंने उसके मुताबिक ये था कि अगर ए डिवाइड करता हो बी को तो फिर मैं लिख सकता हूँ ए डिवाइड करता है बी सी को तो लिहाजा मैंने ये लिख लिया कि अगर ए डिवाइड करता है बी को देन आप लिख सकते हैं ए डिवाइड बी सी यहाँ पर मेरे पास आर सी की बजाय एम और एन है एम और एन है तो लिहाजा मैंने एक दफ़ा इसको एम लिख लिया सी को और दूसरी दफ़ा एन लिख लिया ये मेरे मेरे पास आ गए दो इक्वेशंस अब चूंकि मैंने ये सपोज किया हुआ है कि ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को तो फिर आप ये चीज़ लिख सकते हैं ये देखो ए बी को भी डिवाइड कर रहा है और ए सी को भी डिवाइड कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के साम को भी डिवाइड करेगा अब यहाँ पे आपके पास जब ये दोनों किसान को डिवाइड करेगा तो फ्रॉम वन एंड टू ये देखें वन क्या कहता है ए डिवाइड एम बी और ए डिवाइड एन सी तो फिर आप इस आइडिया को यूज़ करते हुए ये वाला आइडिया अगर ए बी को डिवाइड करें ए सी को डिवाइड करें फिर आप ये लिख सकते हैं ए डिवाइड करता है बी प्लस सी को तो फिर इन दोनों को कंबाइन कर दें ठीक है ए डिवाइड एम बी ए डिवाइड एन सी इसका मतलब ये होगा ए दोनों के साम को भी डिवाइड करेगा ये था आपका आज का टॉपिक इस मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप यूट्यूब चैनल पर पूछ लीजिएगा हम आपको उसका आंसर करेंगे